हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटीएंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिसमें डिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्सेज होते हैं। डिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है पहले हम ये सीखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें कुछ डिपेंडेंट करंट सोर्स होंगे, कुछ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन होंगे, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये डिपेंडेंट सोर्सेज होते क्या है। तो बेसिकली चार तरीके के हमारे डिपेंडेंट सोर्सेज हो सकते हैं। पहला होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। इसका मतलब एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसको कंट्रोल भी कोई एक वोल्टेज सोर्स कर रहा होगा। दूसरा हो सकता है वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, मींस देयर इज अ करंट सोर्स जिसको कोई कहीं एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना वोल्टेज है उसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा होगा। तीसरा होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, मींस एक करंट सोर्स है और जो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट है उसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और लास्ट में हो सकता है करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, मतलब एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसको कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है। तो ये चार तरीके के हमारे डिपेंडेंट करंट सोर्सेज हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ये पहला जो आपका एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ये जो सोर्स है वो अगर आपको देखिए प्लस और माइनस लगे हुए हैं, इसका मतलब एक वोल्टेज सोर्स होगा, और अगर एक सिंपली एरो लगा हुआ है इसका मतलब वो करंट सोर्स के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वोल्टेज सोर्स है उसमें लिखा है ए वी एक्स। ए वी एक्स का मतलब, इसको मैं यहाँ पे लेजर पॉइंटर स्टार्ट कर लेता हूँ। ए वी एक्स का मतलब ये जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू इस वी एक्स पर डिपेंड कर रही है। वी एक्स मतलब इस आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस वोल्टेज की वैल्यू पर ये वोल्टेज सोर्स हमारा डिपेंड करता है। तो इसलिए से हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये करंट सोर्स का सिंबल है, तो ये करंट सोर्स है जिसमें जो वैल्यू है वो है सी आई एक्स, मीन्स इसकी वैल्यू एक आई एक्स करंट जो इस ब्रांच में फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करती है। तो इसको हम कहेंगे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये थर्ड वाला केस देखिए, ये भी एक करंट सोर्स है लेकिन इसकी वैल्यू इस बार वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए वो इसे हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। लास्ट में हमारा वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट पर डिपेंड करता है, तो इसलिए ये है हमारा करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। तो ये हमारा डिविजन हो गया इन चार तरीके के डिपेंडेंट करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज का। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा जिसमें दो लूप आपको दे रखे हैं, सोर्स वोल्टेज आपके पास Vs है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, प्लस माइनस को देख के आप समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज सोर्स है और इसकी वैल्यू है 3ix। 3ix का मतलब ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है, और करंट कौन सा है जो इस ब्रांच में R3 रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस Ix करंट को हम निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे वोल्टेज V1 है तो हम लिख सकते हैं Ix equals to V1 by R3। बेसिकली इस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसमें अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको Ix मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर नोड पर V1 नोड पर KVL लगा सकते हैं या फिर नोड वोल्टेज लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा उसको आप लिख सकते हैं V1 - Vs / R1। सिमिलरली इस ब्रांच का करंट आपका Ix है जिसे आप V1 / R3 लिख सकते हैं, और इस ब्रांच के करंट को आप लिखेंगे V1 - 3Ix / R2, और ये जो 3Ix है उसको आप लिख सकते हैं 3Ix की जगह पे V1 / R3 लिख देंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन में से आप V1 वाले टर्म्स को एक साइड रख सकते हैं और विदाउट V1 वाले टर्म जो Vs का टर्म है उसको आप एक साइड पर रख सकते हैं। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके V1 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको ये वोल्टेज मिल जाएगी V1, और V1 मिल जाएगा तो आपको ये Ix करंट भी मिल जाएगा जो कि V1 / R3 होगा। तो इस तरीके से आप इस वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक सेम वही करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स दे रखा है, ये जो करंट I है वो इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये यहाँ पे अलग नोड वोल्टेजेस दे रखे हैं, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ पे वोल्टेज V2 है, यहाँ पे वोल्टेज V3 है। अगर आप ये तीनों वोल्टेजेस निकाल लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए ये करंट आपका I है, ये वोल्टेज आपका V1 है, तो इस I करंट को आप लिख सकते हैं V1 / 2,
क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड है, तो ये जो वोल्टेज डिफरेंस है इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो V1 होगा, तो हम लिख सकते हैं I equals to V1 by 2. सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि इस ब्रांच में मेरा करंट I2 है, तो I2 को आप लिख सकते हैं V2 by 4. और अगर आप इस I4 करंट को निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली V1 minus V3 by 6. ओके, तो अगर मैं V1 minus V2 देखूं, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रखा है मैंने V1 और V2 के अक्रॉस, तो इसका मतलब इन दोनों वोल्टेजेस का जो डिफरेंस है V1 minus V2 वो आपका 10 वोल्ट के अक्रॉस बराबर होगा. सिमिलरली V2 minus V3 का अगर आप डिफरेंस देखेंगे, तो V2 minus V3 या फिर V3 minus V2 आप करेंगे तो 5i आपको मिलेगा. i आपके पास ऑलरेडी V1 by 2 है, तो आपको मिल जाएगा V3 minus V2 equals to 5V1 by 2. इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 5V1 plus 2V2 minus 2V3 equals to 0. तो एक इक्वेशन आपके पास V1 V2 की मिल गई, फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन ये है, आपके बेसिकली तीन वेरिएबल्स हैं V1 V2 और V3, तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए. तो एक और इक्वेशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप KVL लगा सकते हैं OABO लूप में. OA फिर इधर से आए B और फिर यहाँ पे आए O. तो इस लूप में अगर आप KVL लगा दें तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब देखिए O से A तक अगर आप जाएंगे तो जो वोल्टेज आपके पास है वो V1 होगा, और जब V1 से इस A से लेके B तक अगर आप जाएंगे तो जो वोल्टेज इस 6 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वो V1 माइनस V3 होगा. सिमिलरली B से O के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो आपका V3 होगा. तो आप सिंपली लिख सकते हैं V1 प्लस V1 माइनस V3 प्लस V3 इक्वल्स टू 0. और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिखेंगे V1 इक्वल्स टू V3. एक इक्वेशन आपको मिली V1 इक्वल्स टू V3, एक इक्वेशन आपके पास है V1 माइनस V2 इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन है आपके पास 5V1 प्लस 2V2 माइनस 3V3 इक्वल्स टू 0. तो तीन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा V1 इक्वल्स टू 20/9, V2 इक्वल्स टू माइनस 17/9 एंड V3 इक्वल्स टू माइनस 20/9. तो ये तीनों अलग अलग वोल्टेजेस आपको मिल गए. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले, ये हमारा एक अनाउंसमेंट है, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ये गिवन लिंक्स पे जाके. ये पेमेंट लिंक है और ये रजिस्ट्रेशन की लिंक है. हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, एक सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है, और दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें 15 टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट और 10 सब्जेक्टिव टेस्ट, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पे जाके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक वोल्टेज सोर्स है जो कि कंट्रोल हो रहा है एक वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रेजिस्टेंस. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस पे ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड करता है, तो इसे हम कहेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पे तीन लूप करंट्स हैं, I2 यहाँ पे है, I3 यहाँ पे है और I1 यहाँ पे है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले KCL लगा सकते हैं एट नोड C. तो ये मैंने लिखे हैं A B C D E F G और ये लास्ट में H. तो अगर हम इस C नोड पर KCL लगाएंगे तो यहां से मान लीजिए करंट हमारा I2 आ रहा है, ये I रहा है, यहाँ पे हमने लूप करंट लगा रखा है. सिमिलरली I3 करंट इस ब्रांच में फ्लो कर रहा होगा, तो ये करंट I3 हो गया. तो नोड C पर इधर से करंट I2 आया, इधर से करंट I3 आया चला गया, और यहां से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, एक करंट सोर्स लगा हुआ है. तो बेसिकली हम I2 और I3 में एक रिलेशन लिख सकते हैं कि I3 इक्वल्स टू I2 प्लस 3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी. सिमिलरली अगर आप KCL लगाएंगे एट नोड E, नोड E आपका यहाँ पे है, इस ब्रांच में करंट आपका I2 है, इस ब्रांच में करंट आपका I1 है. तो बेसिकली I1 इधर से आ रहा है और I2 इधर चला गया, तो बचा हुआ जो I1 माइनस I2 करंट है वो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा होगा. तो ये आपको करंट मिल गया, ये करंट आपको मिल गया और ये रेजिस्टेंस आपको पता है, तो ये वोल्टेज जो इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, VB वोल्टेज जिसे हम कह रहे हैं वो हम निकाल सकते हैं. तो हमारा VB वोल्टेज हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई दिस करंट I1 माइनस I2. तो VB वोल्टेज आपको मिल गया. ये वोल्टेज अगर आपको मिल गया तो ये जो वोल्टेज सोर्स की वैल्यू है 2V वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये करंट के रेस्पेक्ट में पता है. तो अगर हम एक KVL लगाते हैं इस पूरे कंप्लीट रूप में, तो A B C D E F G A इस तरीके से अगर हम एक लूप बनाते हैं, तो देखिए जब हम इधर जाएंगे तो हमें लास्ट में पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो ये 2BV के बराबर होगा. फिर इधर आएंगे तो ये करंट I2 है, और करंट के हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्लस I2 into R करेंगे. इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई वोल्टेज सोर्स है, तो हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ पे हमें एक वोल्टेज सोर्स मिला जिसकी लास्ट पोलैरिटी नेगेटिव है, तो हम इसे -12 कर देंगे, और हम जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे पहुंच गए, तो हम इक्वल टू 0 कर देंगे. तो ये हमारा होता है KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ.
वीवी हमें पता है करंट्स के टर्म्स में, तो हम ये वीवी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो हमें रिलेशन मिल जाएगी 4i1 - i2 + i2r = 12। सिमिलरली अगर हम केवीएल लगाते हैं एक दूसरे लूप में ए बी सी डी ई एच ए, ए बी सी डी ई एच ए इस लूप में अगर हम केवीएल लगाते हैं तो सेम सिमिलरली फिर से आप लिख सकते हैं 2vv + i2r, इस ब्रांच में आप आएंगे तो माइनस का वीवी कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में आपका वीवी है, और इधर आप आएंगे तो फिर आप लिखेंगे माइनस का 4 i1 - i3। जो वैल्यूज आपको पता है वो आप पुट कर सकते हैं, तो आपको एक चौथी रिलेशन मिल जाएगी 2i1 - i2 + i2r - 4 i1 - i3 = 0। मान लीजिए हमारा r आपको दे रखा है 1 ओम, तो r की वैल्यू 1 ओम अगर आप पुट करेंगे तो आपकी पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, दूसरी इक्वेशन आपकी सिंप्लीफाई हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं 4i1 - 3i2 = 12। सिमिलरली फोर्थ इक्वेशन में आर की वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी -2i1 - i2 + 4i3 = 0। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको i1 मिल जाएगा 12/11, i2 आपको मिल जाएगा -12/11 एंड i3 आपको मिल जाएगा 9/11। i1 i2 आपको अगर पता है तो आप यहां से वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड, यहां पर आपको एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है जो करंट कंट्रोल्ड है, करंट कौन सा है IX करंट, जो कि इस 5 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में फ्लो कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली देखिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप I1 करंट लिख सकते हैं, I1 करंट आपका इस ब्रांच में जो करंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये I1 करंट कैसे निकालेंगे आप देखिए, इस E और D जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो -6 IX है, तो इस वोल्टेज डिवाइड बाई अगर आप रेजिस्टेंस कर देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा, तो I1 आप लिख सकते हैं सिंपली -6 IX / 4, तो ये करंट आपको मिल गया। दूसरा देखिए, यहां से 2 एम्पियर का करंट आपको आ रहा है और इधर से IX करंट आपको दे रखा है, तो इस सी नोड पर अगर हम KCL लगाएंगे तो इधर से IX आया, इधर से 2 एम्पियर का करंट आया, तो इस ब्रांच में जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है उस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो होगा 2 + IX। ओके, सिमिलरली डी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो यहां से I1 आ रहा है, यहां से 2 + IX आ रहा है, तो यहां पर इस ब्रांच में जो करंट जाएगा वो I1 + 2 + IX हो जाएगा इस ब्रांच में। ऊपर हमारा 1 एम्पियर करंट का सोर्स दे रखा है तो इसलिए 1 एम्पियर ही होगा, इधर हमारा 2 एम्पियर करंट सोर्स दे रखा है, तो इस 6 - 6 IX जो करंट सोर्स है इसमें जो करंट होगा वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब अगर आप एक KVL लगाते हैं इस पूरे आउटर लूप में, मींस हमारा अगर ये लूप है ये वाले लूप में अगर आप KVL लगाते हैं तो आप सिंपली लिख सकते हैं -4 I1 इस वाले ब्रांच में, फिर यहाँ पे ऊपर आएंगे तो 3 × करंट, तो आपको लिखेंगे 3 × 2 + IX, और लास्ट यहाँ पे आएंगे तो 5 × IX आप लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन मिल गई पूरी जो कि IX और I1 को कोरिलेट कर रही है, और इस इक्वेशन में आप इस I1 की जगह पे -6 IX / 4 पुट कर सकते हैं, तो आप कोई एक इक्वेशन मिल जाएगी पूरी की पूरी IX में, और IX आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं -6/14, तो IX आपके पास -6/14 जिसे आप -3/7 कह सकते हैं, तो -3/7 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक करंट सोर्स दे रखा है जिसकी वैल्यू है 1.5 IX, और IX है इस V1 से V0 वाली जो ब्रांच है जो कि 6 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम IX कह रहे हैं, तो आपको IX ही फाइंड आउट करना है। और लास्ट सो इस क्वेश्चन में हमें यहां पे इस ब्रांच में करंट मिल पता है 1.5 IX, इस ब्रांच में करंट पता है IX, तो इस नोड पर अगर हम देखेंगे KCL के थ्रू यहां पे इस ब्रांच में जो करंट जा रहा होगा वो 0.5 IX हो जाएगा। अब अगर हम इस पूरे लूप में यहां तक KVL लगाते हैं तो KVL हम लगाएंगे A नोड मान लीजिए A B C D E और फिर A, इस पूरे लूप में अगर मैं KVL लगाऊं तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए A से B अगर आप जाएंगे तो आपको 8 ओम का रेजिस्टेंस मिला और इसमें करंट IX है, तो इसको आप -8 IX लिख सकते हैं। सिमिलरली इस ब्रांच में कुछ नहीं मिला आपको, यहां पे आए तो आपको 12 वोल्ट की बैटरी मिली, तो इधर साइड में आपका करंट 0.5 IX और रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 × 1.5 IX। सिमिलरली 6 ओम के अक्रॉस अगर आप जाएंगे तो -6 IX = 0।
तो इस पूरी इक्वेशन में आई एक्स एक वेरिएबल है, तो आप आई एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आपको मिलेगी 4/3 एम्पियर। आई एक्स अगर आपको मिल गया तो आप ये आउटपुट वोल्टेज वी नॉट निकाल सकते हैं, जो कि होगा इस ब्रांच का करंट आई एक्स है तो आई एक्स इंटू 8 आप कह सकते हैं, तो इसको आप कह सकते हैं 32/3 वोल्ट, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें रेजिस्टेंस के अलावा कुछ इम्पीडेंस सोर्सेज भी हैं। एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका कैपेसिटेंस आपको इम्पीडेंस के फॉर्म में दे रखा है -j 1.5 ओम। यहाँ पर एक करंट सोर्स है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, जिसकी वैल्यू है 3/4 V1। V1 क्या है, इस रेजिस्टेंस 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम V1 कह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम इस ब्रांच में जो करंट है वो 3/4 V1 है, और V1 हम निकाल सकते हैं, ये जो I1 करंट है वही तो यहाँ पे जा रहा है इस 4 ओम के अक्रॉस, तो इसका मतलब V1 हमारा हो जाएगा 4 × I1, क्योंकि V1 हमारा 4 × I1 हो गया। और जैसे ही V1 हमें पता चला, तो ये जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू को आप I1 के टर्म्स में लिख सकते हो, 3/4 × ये V1 की वैल्यू 4 I1, तो बेसिकली ये आपके पास हो जाएगा 3 I1। तो ये करंट आपका 3 I1 हो गया और ये करंट आपका I1 हो गया, तो ये जो इस ब्रांच में करंट होगा, यहाँ पे KCL अगर आप लगाओगे तो इधर I1 जा रहा है, इधर 3 I1 जा रहा है, तो इधर से 4 I1 जा रहा होगा, तो ये करंट आपको 4 I1 मिल गया। तो सारे करंट्स आपको मिल चुके हैं। अब आप सिंपली क्या करेंगे, इस आउटर लूप में एक KVL लगा दीजिए। अब इसमें कोई KVL लगाएंगे तो देखिए, ये आपका 10 हो गया, इधर आपका -V1 हो गया। इस ब्रांच में अगर आप आएंगे तो 1 − j 1.5 आपको एक इम्पीडेंस मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई इस ब्रांच का करंट -4 I1 आप कर दीजिए, इक्वल टू आप 0 करेंगे तो आपको देखिए V1 मिल जाएगा। यहाँ से V1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 4 I1, तो बेसिकली आप I1 फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी 2.5 / 2 − j 1.5 एम्पियर, तो ये आपका करंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको दो करंट सोर्स दे रखे हैं, एक करंट सोर्स यहाँ पर है जो कि 2VY है, यह वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, VY बेसिकली इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। दूसरा करंट सोर्स है हमारे पास 4VX, जो कि इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उस पर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन में आपसे तीन चीजें पूछी गई हैं, ये वाली वोल्टेज V0, इसके अक्रॉस वोल्टेज VX और इसके अक्रॉस वोल्टेज VY। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम करंट्स लिखना चाहें, करंट्स इन AD ब्रांच, AD ब्रांच हमारी ये है, हमें पता है यहाँ पे वोल्टेज अगर V0 है तो यहाँ पे भी वोल्टेज V0 होगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जितना वोल्टेज है एज इट इज वहीं पर रहेगा। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना पोटेंशियल यहाँ पे, तो इसकी अक्रॉस वोल्टेज V0 हो गई, और यहाँ पे ग्राउंड है तो बेसिकली A और D के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो हमारा V0 ही हो गया। तो अगर हमें यहाँ वोल्टेज डिफरेंस पता है तो हम ये करंट निकाल सकते हैं, I1 हमारा करंट हो जाएगा V0 / टोटल रेजिस्टेंस 3। तो इस ब्रांच का करंट I1 जो है वो V0/3 होगा। और अगर हम ये वोल्टेज Vx निकालना चाहते हैं तो Vx हमारी क्या हो जाएगी, दिस करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो Vx I1 इनटू 1, तो Vx हम कह सकते हैं I1 जो कि V0/3 है। लेकिन ये साइन थोड़े अपोजिट है, साइन भी आपको देखने होते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो Vx हमारा नेगेटिव टाइम्स ऑफ I1 इनटू 1 होगा, तो इसे हम कह सकते हैं Vx होगा हमारे पास -V0/3। नेक्स्ट जो ब्रांच है BC, इस ब्रांच में भी सेम हमारा जो वोल्टेज V0 है वही यहाँ पे वोल्टेज VB के बराबर होगा, और ये जो B और C पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज डिफरेंस है वो V0 ही होगा। तो हम इस ब्रांच का करंट I2 निकाल सकते हैं, I2 हम लिखेंगे V0/टोटल रेजिस्टेंस 4, तो V0/4 हम कह सकते हैं। ये जो VY वोल्टेज है वो हमारी होगी I2 करंट इनटू दिस रेजिस्टेंस, तो I2 × 2, I2 हमारे पास V0/4 है, तो VY हमारे पास हो जाएगा V0/2। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक नोड वोल्टेज V0 के टर्म्स में VX और VY को फाइंड आउट किया। तो अब हम एक वेरिएबल लेके चल रहे हैं V0, और उसी के रेस्पेक्ट पे हम सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी हम लास्ट में क्या करेंगे, देखिए इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो है 6 एम्पियर, इस ब्रांच में जो करंट आ रहा है वो I2 है, और इस ब्रांच में जो करंट है वो 4VX है। सिमिलरली इस ब्रांच में करंट आपका I1 है, और इस ब्रांच में जो करंट है वो 4VY है। तो सिंपली हमें इस नोड पर KCL लगाना होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, और हम आसानी से V0 को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहां से करंट 6 एम्पियर आ रहा है, अब इस ब्रांच का करंट कैसे लिखेंगे, इधर से जितना करंट आ रहा है उतना ही इधर जाना चाहिए प्लस इधर जाना चाहिए, दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन करंट का है वो बराबर होना चाहिए। तो 6 एम्पियर इज इक्वल टू इस ब्रांच का करंट क्या होगा, I2 + 4VX,
तो इसको हम लिख सकते हैं I2 plus 4Vx. Similarly, इस ब्रांच में करंट जो गया है वो है I1, लेकिन ये जो 2VY1 वाला करंट है वो इधर आ रहा है, तो इसलिए इसको हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसे हम लिखेंगे I1 minus 2VY. ये हमारा KCL हो गया. अब हमारे पास जो जो टर्म्स पता है वो हम पुट कर सकते हैं. आई वन हमें पता है V0 के टर्म्स में, V0 by 3. VY हमें पता है V0 के टर्म्स में, V0 by 2. I2 भी पता है हमें, V0 by 4. और VX हमें पता है minus V0 by 3. ये सारी चीजें हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो हमें पूरी इक्वेशन V0 के टर्म्स में मिल गई. इसमें से V0 कॉमन ले सकते हो, तो आपको मिलेगा 6 = V0 टाइम्स 1/3 माइनस 1 प्लस 1/4 माइनस 4/3. यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं V0, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी -24/7 वोल्ट. V0 अगर आपको मिल गया तो आप Vx निकाल सकते हैं यहाँ पे पुट करके, तो Vx आपके पास आएगा 8/7 वोल्ट. सिमिलरली आप Vy फाइंड आउट कर सकते हैं, ये होगा V0/2 दैट इज -12/7 वोल्ट. तो Vx, Vy और V0 तीनों ही आपको मिल गए. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इस क्वेश्चन में आपको एक करंट सोर्स है जो कि वोल्टेज डिपेंडेंट है, एक वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट डिपेंडेंट है. दो डिफरेंट तरीके के सोर्सेज दे रखे हैं, और ये IX करंट है इस ब्रांच में. इस IX करंट पे डिपेंड करता है ये वोल्टेज सोर्स, और इस VY वोल्टेज पे डिपेंड करता है ये करंट सोर्स. इसको सॉल्व करना है. कैसे कर सकते हैं देखिए, सबसे पहले ये हमारा 9 एम्पीयर का करंट है इस ब्रांच में. ये डायरेक्शन थोड़ी उल्टी हो गई है, तो मान लीजिए कि ये 9 एम्पीयर का करंट ऊपर ही जा रहा है, तो इसमें 9 एम्पीयर का करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम ये VY वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं. VY वोल्टेज हमारे पास कितना हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस करंट. तो VY हमारे पास हो जाएगा 18 वोल्ट. अब VY हमें पता है, तो ये I1 इस ब्रांच का जो करंट है वो हमारा कितना होगा, 2VY के बराबर. यही तो हमारे पास करंट सोर्स है यहाँ पे. तो ये जो I1 करंट इस ब्रांच में मैं कह रहा हूँ उसको आप 2VY कह सकते हैं, और VY आपको ऑलरेडी पता है 18 वोल्ट के बराबर. तो बेसिकली ये 36 एम्पियर हो जाएगा I1 करंट हमारे पास. अब हमें इस ब्रांच का करंट पता है, इस ब्रांच का करंट पता है, तो और इस ब्रांच में IX करंट हमें दे रखा है. तो ये अगर IX करंट है, ये अगर I1 करंट है, तो इस 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो आप I1 प्लस IX कह सकते हो. यहाँ से 9 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस ब्रांच में जो करंट है उसे आप सिंपली कह सकते हो 9 प्लस I1 प्लस IX. ये साइन को थोड़ा सा उल्टा रख लीजिए. तो अब हमने क्या किया, जितने भी हमारे रेजिस्टेंसेस हैं सबके पास एक करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब सिंपली आप क्या करोगे, इस पूरे लूप में ए बी सी डी ए, इस क्लोज लूप में आप KVL लगाओगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो KVL लगाएंगे तो आपको मिलेगा -2IX -I1 प्लस IX -2 = 0. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, I1 आपको ऑलरेडी पता है, तो आप सिंपली I1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और IX निकाल सकते हैं. IX आपको मिल जाएगा -38/3 एम्पियर. IX अगर आपको मिल गया तो आप VY भी निकाल सकते हैं. तो VY तो हम निकाल ही चुके हैं, VY हमारे पास था 18 वोल्ट. तो हमारे पूरा क्वेश्चन हो गया, VY भी हमें मिल गया, IX भी मिल गया, तो यही इसका आंसर था. तो ये हमारा पूरा वीडियो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, सिमिलरली वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्सेज के बारे में था, जिनको हम डिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं, इसके बारे में था. अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके उसको पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज है वो हमने टॉपिक वाइज बना रखी है, जिसके थ्रू आप अलग अलग टॉपिक्स की एनालिसिस देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट्स आ रहे हैं. तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पर जाके क्लिक कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए.